हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल इथिकल बॉय। तो ये HTML कोर्स का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग सीखेंगे, इससे पहले हमारा 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग फर्स्ट वाले में नॉर्मल सी टोटल इस एक सॉफ्ट ये मोबाइल पे कोडिंग हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, और नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखकर, और देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखकर और एक इमेज सेट किया गया था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे और सेकंड वीडियो में हम लोग अलाइनमेंट सेट करना सीखा था कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे हम सेंटर में कैसे लाएंगे और राइट साइड या लेफ्ट साइड कैसे करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिक होता रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट इसको मैंने राइट साइड और सेंटर साइड कैसे लिया जाता है वो मैंने दिखाया था। इमेज को भी सेंटर में कैसे लाया जाता है वो दिखाया गया था। और आज हम लोग देखेंगे जो कि पार्ट थ्री नंबर होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाए। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जैसे ही आप अपना जो भी वर्क किए हैं उसको जैसे ही रन करते हैं तो बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर में आता है, बट मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि उसका भी कलर चेंज कर दूँगा। उसमें इमेज भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट फॉन्ट को भी चेंज करना सिखाया जाएगा इसी वीडियो में। टेक्स्ट फॉन्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ इथिकल बॉय, इसको हमको चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, जो ब्लैक में होता है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम फॉन्ट कलर भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर रन करते हैं तो रन करने पर जो हमारा बैकग्राउंड में ये जो वाइट कलर में आ रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे, कलर अलग कलर डालेंगे। इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल के दिखाया जाएगा कैसे इमेज इसमें सेट किया जाता है। ओके, और यहाँ पे जो माई यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, बैक करते हैं, पहले एक एक करके देखेंगे ताकि आपको समझ। देखिए बॉडी के अंदर बॉडी स्पेस करेंगे, एक मिनट, एक बार और रन करता हूँ। ओके सही है, चलिए बॉडी के अंदर देखिए सभी चीज़ जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो बॉडी के अंदर ही वही हमारा वेब पेज पे आएगा, बट यहाँ पे हम करेंगे बॉडी का कलर चेंज करेंगे। ओके, देखिए वेब पेज पे जो भी हम लिखेंगे वही सब आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माय यूट्यूब चैनल लोगो। ओके, ये लोगो सेट किया गया है। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसमें हम इसका जो वेब पेज का जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। तो वेब पेज का कलर कैसे चेंज किया जाता है, बॉडी के अंदर लिखने से वेब पेज का कलर चेंज होगा। यहाँ पे हम बॉडी स्पेस देंगे। ओके, बॉडी के बाद में स्पेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी और इसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस देकर यहाँ पे हम बिग कलर लिखेंगे। ओके, बीजी लिखना है और कलर स्पेस डालना नहीं है। ओके, बीजी कलर। ओके, स्कल टू डालना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको कलर चूज करना है, कौन सा कलर देना है आपकी मर्जी, रेड देना है, ब्लू देना है, वाइट देना है। वाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बीजी कलर स्पेस नहीं देना है यहाँ पर, बीजी कलर COLOR। ओके, सही सही स्पेलिंग डालिएगा तो ही वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे बीजी कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में, इसमें आपको कलर का ये कलर डालना पड़ेगा, रेड डाल रहा हूँ, नहीं रेड नहीं येलो डालें, रेड डाल के देख रहे हैं क्या होता है। रन करते हैं हम, देखिए रेड कलर में आ गया, बट देखिए यहाँ पर रेड कलर में आ गया, बट यहाँ पे हम रेड कलर को नहीं करेंगे, यहाँ पे येलो करेंगे। ओके, आपकी मर्ज़ी, आपको ब्लू भी डाल सकते हो, येलो हम कर देते हैं, WELOW येलो। रन करते हैं, देखिए यहाँ पे येलो में आ गया। ओके, तो आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, टैग ये भी टैग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम अब कर के आ रहे हैं, यहाँ पे हम फॉन्ट को भी चेंज करते थे पहले, इसमें अभी इमेज को सेट नहीं कर रहे हैं, पहले हम फॉन्ट को भी चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे। ओके, फॉन्ट पहले साइज को करेंगे, साइज जैसे मान लीजिए इसका जो साइज है इसको बड़ा कैसे किया जाए,
माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ इथिकल बॉय जो लिखा हुआ है, इसका साइज बड़ा कैसे किया जाए, इसको हम लोग साइज को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा जो भी लिखना होगा, 40, ओके। और उसके बाद स्पेस देकर आपको कलर देना होगा तो कलर दीजिएगा, नहीं तो ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉन्ट का भी क्लोजिंग टैग होता है, तो क्लोजिंग टैग तो हमको लास्ट में चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं तो वहाँ से भी टेक्स्ट लिख कर हम लोग उसको फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं, बट यहाँ पे तो हम टेक्स्ट लिख चुके हैं तो इसलिए इसको क्लोजिंग टैग को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग डालेंगे लिखने टेक्स्ट लिखने के बाद। मान लीजिए इस कहाँ तक आपको साइज 40 तक का चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा इसको, नहीं तो सभी को 40 के इक्वल में कर। देखिए बड़ा हो गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर को भी थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम कलर को भी सेट कर दे रहे हैं। अब कलर, ओके, इमेज भी डाल सकते हो आपकी मर्ज़ी। इमेज पहले हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कलर को कैसे सेट किया जाता है। कलर इसकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपकी जो मन वो कलर डाल सकते हो। मैं यहाँ पे रेड डालूँगा, ओके, RED रेड, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं रन, ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं रन। देखिए यहाँ पे फॉन्ट क्लोज है, ओके, क्लोज है। चलिए यहाँ पे रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेड कलर में आ गया माय यूट्यूब चैनल, यही इतना ही टेक्स्ट को रेड करना था। अगर मेरे को नीचे वाले को भी रेड करना रहता तो फॉन्ट को वहाँ से हटाकर नीचे वाले में डाल देते तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ओके, बट यहाँ पे तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप दोनों पे भी कर सकते हो, ओके। इसका हम सिर्फ साइज इंक्रीज करेंगे, ओके। तो स्पेस ओपन टैग फॉन्ट स्पेस साइज, इसका हम साइज दे देते हैं 20 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 20, ओके, 20 हो गया। अब इसे बंद भी करना, देखिए यहाँ पे हम करते हैं रन, देखिए क्या होगा, देखिए गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया, ओपन टैग तो किया था बट ओपन टैग को भी बंद नहीं किया। ओपन टैग को हमको बंद करना होता है, उसके बाद उसको क्लोज करना होता है, ओके। यहाँ पे कॉल आ गया, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको हम फॉन्ट को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि वहाँ जहाँ तक अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें पहले ही हम टेक्स्ट लिख चुके हैं, ओके। इसको लिखते तो वहाँ पे हो जाता, फॉन्ट को डिलीट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम करते हैं फॉन्ट को क्लोज, ओके, हो गया। अब इसको करते हैं रन, देखिए आ गया, इसका साइज बड़ा हो गया। और एक और चीज़ इसमें अब चेंजिंग करेंगे, इस सभी को हम सेंटर में लाएंगे, ओके। जो लेफ़्ट साइड है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड ही होता है, बट यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट टू वीडियो में मैंने दिखाया था लेफ़्ट साइड कैसे, लेफ़्ट का स्पेलिंग लिखिएगा तो लेफ़्ट साइड भी चला जाएगा, नहीं तो उस टोटल को अलाइनमेंट को हटा दीजिए, ऑटोमेटिक वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं सेंटर साइड, ओके, लेफ़्ट को हटाकर अब सेंटर साइड करेंगे, ओके। यहाँ पे हम सेंटर साइड करते हैं, ओके, देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया। अब हम नीचे वाले सभी दोनों को सेंटर साइड में लाएंगे, ओके, इमेज को भी सेंटर में लाना है हमको, ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर लिख देंगे। आपको पहले वीडियो में, सेकंड वाले वीडियो में, आपको पार्ट टू वाला वीडियो में आपको बताया गया है टोटल अलाइनमेंट सेट किया कैसे किया जाता है, ओके। तो आप पहला सेकंड वाला वीडियो देख सकते हो, आप बेसिक जानने के लिए फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो जो कि इसका प्ले लिस्ट है HTML कोर्स का, उसमें ही मिलेगा। ये टोटल कोडिंग मोबाइल पे हो रही है, ओके, ये भी बात जान लो।
फिर हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया। अब हम इमेज डालेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हम सोच रहे हैं इसका भी कलर थोड़ा चेक कर ले रहे हैं कि क्या शायद इमेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाए। देख रहा हूँ बट चेंज नहीं होता, बट देख चेक कर ले रहा हूँ। ओके, बीजी कलर, एक मिनट, बीजी कलर नहीं होगा, हाँ चलिए बीजी कलर ही होगा, बीजी कलर स्कल टू यहाँ पे, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा रेड, देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ। ओके, ब्लैक का ब्लैक ही है इमेज का बैकग्राउंड, वाइट का वाइट ही है। इसको हम हटा ही देते हैं, नहीं वर्क कर रहा है बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार चेक कर रहा हूँ, बीजी से नहीं उठा रहे, बैकग्राउंड से उठा ले बैकग्राउंड, चेक कर रहा हूँ, नहीं हुआ। ओके, नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आपको इसको डिलीट करना है, इसमें नहीं तो सपोर्ट ले रहा है। ओके, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे इमेज के कारण, इमेज क्योंकि उसका तो कलर भाई सेट रहता है ना। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अब बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजिंग करेंगे। ओके, बॉडी के अंदर इमेज सेट करेंगे, जो हम येलो कलर दे रहे हैं उसमें हम इमेज भी सेट कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। वेब पेज के बैकएंड में, बैकग्राउंड में आप बैकएंड में आप इमेज भी सेट कर सकते हो, बट उसका लोकेशन डालना पड़ता है। तो लोकेशन कैसे डाला जाता है ये आपको दिखाया जाएगा, बता दे रहा हूँ। ओके, लोकेशन सेट करने से पहले कुछ चीज़ की ध्यान देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो है लोकेशन हम डाल रहे हैं इस मोबाइल के से, इस मोबाइल के कोडिंग से, तो वो रन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? लोकेशन को ढूंढ नहीं पा रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़, एक और फंक्शन कर देंगे, करेंगे क्या, एक मिनट, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले हम जाएंगे अपने फाइल। देखिए यहाँ इसका ये जो हमारा वर्क हो रहा है, ये जो इस इंटरनल इसका जो मेमोरी, इसका जो है इंटरनल कार्ड, जो इसका स्टोरेज है, उसी में एंड्रॉयड के अंदर ये वर्क हो रहा है, जो भी कोडिंग हो रही है उसके अंदर ही जा रही है। तो वहाँ पे हम करेंगे, उसी लोकेशन पे करेंगे क्या कि एक इमेज को सेट करेंगे। ओके, तो पहले हम जा रहे हैं उस फाइल पे। ओके, फाइल मैनेजर हम लोग अपने मोबाइल का खोलेंगे। ओके, पहले आपको करना क्या है, ये सेंटर से काट दे रहा हूँ। ओके, मैं जा रहा हूँ फाइल पे, फाइल मैनेजर पे। ओके, उसके बाद हम खोलेंगे फाइल मैनेजर को। एक मिनट, राउंडिंग हो गया, इसको थोड़ा सा सेट कर ली, हो जाओ। ओके, चलो हो गया। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे, उसके बाद एंड्रॉयड पे जाएंगे। देखिए ऊपर आपका एंड्रॉयड रहता है, एंड्रॉयड पे जाइएगा। ओके, और कहीं पे नहीं, आपको एंड्रॉयड पे जाना पड़ेगा। बैक आता हूँ, डॉक्यूमेंट खुल गया, एंड्रॉयड पे जाएंगे। एक मिनट, एंड्रॉयड ढूंढ लिया, पिक्सल आर्ट, इसमें पहले हम तो फोटो सेट करेंगे ना, फ़ोटो को कॉपी कर ले रहे हैं। उसके बाद एंड्रॉयड पे जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में मेरा फ़ोटो है, आपकी मर्ज़ी, जहाँ पे आपका फ़ोटो हो वहाँ से आप उस फ़ोटो को ले लीजिएगा। हम यहाँ पे किसी एक फ़ोटो को लेंगे। ओके, देख ले रहा हूँ किससे ले रहा हूँ। ओके, कौन सा फ़ोटो लूँ, इसको ही, पार्ट टू। देखिए HTML, अगर अभी तक आप लोग HTML पार्ट टू नहीं देखे हैं तो उससे जाकर देख लीजिए, पार्ट वन और पार्ट टू को, तभी जाके ये पार्ट थ्री समझ में आएगा। ओके, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, आप पार्ट टू को जाकर देख ले पहले। इसको ही मैं सोच रहा हूँ लेकर जाने का उस लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। ओके, कॉपी करके हम फिर से हम स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज पे जाकर एंड्रॉयड में जाएंगे। अब हम एंड्रॉयड में जाएंगे, एंड्रॉयड के बाद डाटा पे जाएंगे, डाटा फर्स्ट वाले पे डाटा पे जाएंगे, नीचे जाएंगे iOS, देखिए यहाँ पे iOS स्पीक है, उसमें जाएंगे, HTML इसके अंदर मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने dns.png करके डाला था, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, आ गया।
और इसका नाम रीनेम कर देंगे। देखिए इसका नाम बहुत बड़ा है, इसको हम रीनेम करेंगे। ओके पिक्सल आर्ट बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर देंगे। ओके हम कर देंगे डी, इसको हम हटा रहे हैं, डी डॉट पी एन जी जे पी जी। ओके जे पी जी है ये एक्सटेंशन इसका, डॉट जे पी जी है। फिर हम इसे ओके कर देंगे। ओके कर दिए। और अब फिर हम जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे। ओके जो हमारा HTML का कोडिंग कर रहा हूँ वहाँ पे जाएंगे, और राउंडिंग हो गया। ओके और यहाँ पे अब हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, इसको हम टोटल को डिलीट कर दे रहे हैं, सिर्फ बॉडी रहेगा इसमें। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, यानी बैक BSEK बैकग्राउंड। ओके आप देख सकते हो ये हिंट्स भी दे देता है, हिंट्स आपको जैसे उठाएगा ऑटोमेटिक टेक्स्ट को वहाँ पे डाल देगा। इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसको उस पाथ का लोकेशन डालना पड़ेगा d.jpg। ऑटोमेटिक देखें यहाँ पे पाथ आ गया, इस पाथ को हम सेट कर दे रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं। ओके बूम, यहाँ पे देख सकते हो आपका आ चुका है बैकग्राउंड में कलर। बैकग्राउंड में jpg जो इमेज है वो सेट किया, वो आ गया। आपकी मर्ज़ी, अपना इमेज खुद डाल सकते हो खुद से चॉइस करके। मेरे पास जो इमेज है मैं उसको ही डाला। इसका हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट ये पूरा ही हाइट पूरा ही वेब पेज पे ही ले लेता है, क्योंकि इस पर हम बॉडी के अंदर इसको सेट किया है, उसके नीचे वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप छोटा करते हो इमेज को तो उसके नीचे वाइट कलर में आ जाएगा। बट इस ये मोबाइल है आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है इसका साइज़ छोटा है। आज लैपटॉप में वर्क कीजिएगा तो 100% वर्क करेगा। ओके यहाँ पे इसको विड्थ भी दे देते हैं हम लोग, विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ इसका देंगे हम लोग 500, इसका है 500। अब रन करते हैं, देख सकते हो गाइस छोटा नहीं पता चलेगा छोटा कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि इसको हम लैंडस्केप्ट में करके इसको रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि मैं कीबोर्ड माउस से वर्क कर रहा हूँ। आपकी आप भी कीबोर्ड माउस को आप कनेक्ट करके आप इस तरह से कोडिंग कर सकते हो और सीख सकते हो। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला वाला पार्ट को। ओके तो अगर तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहला वीडियो और सेकेंड फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख ले, तभी जाके इतना थर्ड वीडियो समझ में आएगा। ओके इसके बाद पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। ओके एक एक करके सभी वीडियो आएंगे। 10 तक आने के बाद उसके बाद टर्मक से एक कोर्स आएगा, एक वीडियो आएगा जो कि हैकिंग से रिलेटिव होगी। ओके तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ओके